हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को सुबह के बज गए हैं 10 और मैं आज जा रही हूँ दही बड़ा बनाने। तो दही बड़ा बनाने के लिए मैंने सारी तैयारी पहले ही कर ली थी। मैंने दाल को पीस लिया था, अब हम इसे अच्छे से फेंट रहे हैं। दाल को अच्छे से फेंटने से हमारे दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो चलिए, मैंने दाल को अच्छी तरह से फेंट लिया है, तो अब दही बड़ा को फ्राई कर लेते हैं एक एक। तो मैंने एक दही बड़ा बना भी लिया है, तो चलिए जल्दी से बनाते हैं दही बड़ा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को दही बड़ा खाना पसंद है। मुझे दही बड़ा खाना बहुत ही पसंद है। दही की सारी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जैसे कि बूंदी का रायता, कढ़ी, दही बड़ा तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए एक एक करके फ्राई कर लेते हैं सारे दही बड़े। गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है और गर्मियों में दही बड़ा खाने का अपना एक अलग ही मज़ा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली और दोस्तों के साथ तो शेयर कर दीजिए। तो ये देखिए, हमारे टेस्टी से दही बड़े फाइनली आ गए हैं कढ़ाई में। हम एकदम इन्हें क्रिस्पी क्रिस्पी सा, तो हमें बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में इन्हें फ्राई नहीं करना है, फ्लेम को एकदम लो रखना है और धीरे धीरे सारे दही बड़े को ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो हमारे बढ़िया से दही बड़े, टेस्टी टेस्टी से दही बड़े बन रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इन दही बड़ों को देख के आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। तो चलिए फ़िलहाल अपने दही की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं दही के लिए सबसे पहले ये जीरा को हल्का सा भून लूँगी, और भूनने के बाद हमें जीरा को पीस लेना है। दही बड़े में जीरे पाउडर को डालने से हमारे दही बड़े का टेस्ट दोगुना हो जाता है, बढ़ जाता है टेस्ट। तो आप जब कभी भी अपने घर में दही बड़े बनाएं तो प्लीज़ उसमें ऐसे जीरा को भून के उसका पाउडर बना के दही बड़े में ऊपर से ज़रूर डालिएगा, और फिर मुझे बताइएगा कि आप जीरा पाउडर डालने के बाद आपके दही बड़े का टेस्ट बढ़ा है या नहीं। तो हमारा भूंजा फाइनली भुज चुका है और हम अब चलिए बनाते हैं अपने दही बड़े का दही। तो मैंने यहाँ पे चाट मसाला लिया है, दही लिया है, हमारे सही सारे दही बड़े फ्राई हो गए हैं, और मिर्च पाउडर लिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारे दही बड़े कितने सॉफ्ट बने हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें मिर्च पाउडर ऐड कर लेती हूँ, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला, सभी चीज़ों को हम ऐड करेंगे अपने दही बड़े में। तो ये मिर्च पाउडर मैंने ऐड कर लिया है, जीरा पाउडर ऐड कर देंगे, चाट मसाला ऐड कर देंगे। ये देखिए, हमारा दही है, जो दही बड़े का दही है वो कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है। धीरे धीरे सारे दही बड़े को दही में ऐसे ही सोख करके रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए, फिर हम इंजॉय करेंगे गर्मा गर्म दही बड़े की रेसिपी। तो ये देखिए, हमारे दही बड़े कितने टेस्टी और कितने यमी लग रहे हैं। हम लोगों के यहाँ देसी अंदाज में ही सबको दही बड़े खाना पसंद है। मैं हमेशा इसी तरीके से दही बड़े खाती हूँ और मेरे घर में मेरे दही बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी सासू माँ को मेरे हाथ के दही बड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उनने बोला था कि दही बड़ा बना दो, तो मैं उनके लिए दही बड़ा बनाई हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर।